बिल्ली के जो छोटे बच्चे होते हैं, लोग क्या करते हैं, उनको दूध दे रहे हैं, दूसरे क्या होता है उसको लैक्टेज होता है जो दूध में, वो हजम नहीं कर पाती, तो उसको डायरिया हो जाता है। तो अगर आप कीटन का जो बेबीज फूड आते हैं, जैसे पेडिग्रीज के होते हैं, ऐसे कई कीटन फूड्स हैं, सेरेलेक्स हैं, वो दे सकते हैं आप, लेकिन थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। अगर आप नहीं ला सकते तो आप नेस्ले का जो है सेरेलेक्स 6 नंबर का ला सकते हैं, वो समथिंग 180 या 190 का पड़ेगा आपको, जैसा आपको डिस्काउंट मिले। तो आइए मैं बताता हूँ कि सेरेलेक्स बनाते कैसे। हमारे पास 3 बच्चे हैं, 1 स्पून आप सेरेलेक्स डाल दीजिए क्वांटिटी में, आधा ग्लास ऐसा पानी, गैस चालू करिए और धीमी आंच पे उसको चलाइए। और उसके बाद 9 से 10 हो जाए तो उसको ठंडा करने के लिए आप किसी बर्तन में निकाल दीजिए। और देखिए ये सेरेलेक्स तैयार है, और बच्चों को आप ऐसा दे सकते हैं, ये इनको नुकसान भी नहीं करेगा और जो है उसको कोई तरह की तकलीफ पेट में नहीं होगी। ऐसे तो माँ का दूध ही सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन अगर माँ नहीं है या उसको कोई प्रॉब्लम है, माँ मर गई है, तो आप 6 नंबर का सेरेलैक्स दे सकते हैं, बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होगी, वो बड़े हो जाएंगे फिर अपने प्रकृति में, वो पहले से खुल जाएंगे। तो आप प्लीज़ ऐसा करें, उन्हें दूध देकर बार बार तकलीफ ना दें, डायरिया की शिकायत हो जाएगी तो कई तरह की पेट की तकलीफ, वो मर भी सकते हैं। बेजुबानों की मदद करिए, थोड़ा सा आपका सहयोग उनकी जान बचा सकता है। जय हिंद।